हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद इरम एंड ज़ैन। आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देख लेते हैं ये कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैंने यहाँ पे एक कप आम लिया है, क्यूब्स में कट किया हुआ, ये पका हुआ आम है। एक कप बेसन, चना का बेसन, जलजीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून, बारीक कटी हरी मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले हम यहाँ बेसन का घोल रेडी कर लेंगे। सॉरी मैं इसका वीडियो नहीं ले पाई, आप लोगों को मैं बता देती हूँ इसका घोल कैसे रेडी करना है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक बाउल लेना होगा। बाउल में हम 1 कप बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कॉर्नफ्लावर, कटी हुई हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के इसका घोल हम लोग रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम उसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे। फिर जब तक वो हमारा रेस्ट हो रहा है, आइए हम लोग आम के पीसेस में जलजीरे को भर लेते हैं। तो सारे आम के पीसेस को हम लोगों को बीच से ऐसे चीरा लगा देना है और उसमें जलजीरा को हमें इस तरीके से उसमें स्टफ़ करना है, भरना है। इसी तरीके से सारे आम के पीसेस में हम लोगों को जलजीरे को भर देना है। इस तरीके से ये हमारा सारे आम में जलजीरे हम लोगों ने भर लिए हैं। तो चलिए इसे अब हम लोग फ्राई कर लेते हैं। और बेसन को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुका है, हमारा बेसन अच्छे से रेस्ट कर चुका है। ये देखिए बेसन का घोल हमें इस तरीके से बनाना है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल गर्म हो चुका है और हम लोग इस तरीके से बेसन में एक एक करके आम के पीसेस को डीप करके और गर्म तेल में मीडियम फ्लेम पे सारे आम के पीसेस को हम लोग इस तरीके से डालेंगे। और जब सारे हम लोग आम के पीसेस को तेल में डाल देंगे तो फिर हम लोग यहाँ फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही हम लोगों को इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी फ्लिप करके फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। इसे हम लोग टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ट्रेल है वो सारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है मैंगो पकौड़ा। आप इसे इस मानसून में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।